हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के D114 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो, आज का सवाल में क्या है कि ए बॉक्स कंटेन स्लिप्स विथ नंबर 1 to 50 रिटर्न ऑन देम, यानी कि टोटल हमारे पास कितने स्लिप्स हो गए? 50 स्लिप्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो, 50 स्लिप्स जो हो गए वो कहाँ से हैं? 1 से लेके हमारे 50 तक हैं। क्या बोल रहा है हमारा? ए स्लिप इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड। एक स्लिप निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। फिर बोल रहा है देन अनदर स्लिप इज ड्रॉन, फिर एक स्लिप निकाला जाता है एंड आफ्टर रिप्लेसिंग, फिर उसको भी रिप्लेस करने के बाद फिर एक और स्लिप निकाला जाता है। यानी कि 3 बार हमारा क्या हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रखा है सवाल में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर अपीयर्स ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। पहले ड्रॉ में क्या हो? इवन नंबर हो। एन ऑड नंबर ऑन द सेकेंड ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ में हमारा क्या हो? ऑड नंबर हो। एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द थर्ड ड्रॉ, तीसरे ड्रॉ में क्या हो? 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहला कंडीशन जो हमारा है, हम लोग फेवरेबल सबसे पहले निकालते चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल क्या होगा हमारा? इवन नंबर बोला है। इवन नंबर यानी क्या? 2 से डिविजिबल होने वाले, यानी 50 में जो 2 से डिविजिबल होने वाले होंगे वो कितने हो जाएंगे? 25। यानी पहले कंडीशन का फेवरेबल हमारा कितना है? 25। सेकेंड कंडीशन में हमारा बोला है वो ऑड नंबर होना चाहिए। जब इवन 25 है, टोटल हमारा 50 है, तो ऑड वाले कितने हो गए? 25 हो गए, यानी कि यहां से हमारा ऑड निकल गया 25, ठीक है। अब बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए। तो 50 में जो 3 से डिविजिबल होंगे, इसको पूरा पूरी हम लोग कटने के लिए देंगे, यानी कि नो रिमाइंडर। यानी कि पूरा पूरी यहाँ पे कहाँ से कट जाएगा हमारा? 16 तक में कट जाएगा। यानी 3 से डिविजिबल वाले जो होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है। अब देखो, रिप्लेस्ड कर दे रहा है। रिप्लेस्ड कर देने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक निकाले फिर उसमें डाल दिए, क्वांटिटी हमारी 50 की 50 ही रहेगी। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल बटे में टोटल। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल हमारा 25, टोटल हमारा कितना? 50। यानी कि 25 से कट गया 2 बार में, ठीक है। यानी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी निकल गई 1/2, सेकेंड वाले की प्रोबेबिलिटी भी 50 से डिवाइड दे देंगे, 25 1 और यहाँ पे कितना? 2, ठीक है। थर्ड वाले के भी 50 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हम इसे काटेंगे, 2 से हमारा कट जाएगा ये 8 बार में, 2 से कट जाएगा ये 25 बार में, ठीक है। यानी कि इसकी प्रायोरिटी 1/2 होगी, इसकी प्रायोरिटी 8/25 होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी डेट एन इवन नंबर अपियर ऑन द फर्स्ट, यानी पहले वाले को लेना है, एन ऑड नंबर ऑन द सेकेंड, दूसरे वाले को भी लेना है, एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 3 यानी तीसरे वाले। ऐसा कंडीशन नहीं है कि इसको लेना है, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, ठीक है, तीनों को मिला के लेना है। तो जब भी मिलाने का कंडीशन आया, यानी क्या चीज हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है? एंड बोल रहा है। एंड सिंपली रिप्रेजेंट्स व्हाट? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब कर दिए, तो 2 यहां से काट देंगे 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा 2/ में कितना? 25। और यही इस सवाल का हमारा आंसर है, 2/ में कितना? 25 और आंसर। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।